नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट हेडलाइंस में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली तीसरे शतक से चूके हैं और दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा किया है कि क्यों वो तीसरे शतक से चूक गए। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट कोहली आज तीसरा ही नहीं बल्कि चौथा शतक भी लगा देंगे। विराट लगातार रन बना रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन लंच के ठीक बाद कुछ ऐसा होने लगा जिसने विराट की इस पारी पर लगाम लगा दी और इसी बात का खुलासा विराट ने मैच के दूसरे दिन के बाद किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही लंच के बाद स्मोग का इंसिडेंट सामने आने लगा और पोल्यूशन के कारण बार बार खेल में बाधा आने लगी, उनका कंसंट्रेशन टूट गया जिसकी वजह से वो आउट हो गए। विराट ने तो ये भी कहा कि अगर श्रीलंकन क्रिकेटर्स अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते तो शायद खेल इतनी बार नहीं रुकता। इसी बात पर गुस्से में आकर विराट ने पारी तक घोषित कर दी थी। क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।